जिन्होंने ये शब्द पकड़े वो ज्ञानी ध्यानी योगी यदि सती सन्यासी और योगेश्वर तक बन। लेकिन निज घर कोई ना जा, जिस घर का मैं भेद हूं देता उस घर की महिमा कोई जाने ना। झूठ में पड़ा हर जीव प्यारो उसी में भटका खावे, उसी में भटका खा रहा पल पल। ये वेद वैनाम सदगुरु देते हैं, मन का वेद हो गया। चलते हैं चौथे दल, जबकि हर वस्तु पर मन की आंख प्यार। देखा, जबकि सारी वस्तु पर यूनिट माइंड जो आपके अंदर सूक्ष्म उसका भी ध्यान, कॉस्मिक माइंड ने तो ये सारा बनाया उस पर भी उसकी निगाह, तुम्हें हर समय उन चीजों की तरफ आकर्षित करता है। कह रहे आज यहाँ मौसम गर्मी है, चलो जी चलते हैं कुद चलते हैं, चलो जी बटोत चलते हैं, चलो मानसर चलते हैं, झील भी है पिकनिक हो जाए, जाते हैं इन्हीं में तुम्हें उल जाता है। और यथार्थ में ये झूठ है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है रहना नहीं देश मेरा। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ भरे जाना है रहना नहीं देश मेरा। ये देश वीरान तुम्हारे लिए नहीं था, ये था ही मन का, तुम आत्मा ने क्यों अपने आप को यहां बरमा ली। और फिर कितनी जूनियों में जाते तुम, एवन परिंदों के संगीत में नहीं जाते, जानवरों की आवाजों में नहीं जाते, कोई चला रहा है तो उसकी पुकार में नहीं जाते, तुम बस पिकनिक सपाटों की तरफ दौड़ते, इनका संगीत नहीं सुनते। जो आगे बढ़े ना उनको परिंदों के संगीत से बड़ा प्रेम, मेरे को बड़े प्रेम रहता कुदरती में, इस बाग में सुबह भी शाम परिंदे लाइनों में उड़ते हैं, अपनी चिरपिंग अपनी आवाजें देते हैं, क्योंकि ये गेस्ट हाउस साथ है, बस वहां रहते हैं बहुत से प्रेमी। बहुत बड़ा यहाँ पीपल का पेड़ है, उस पर रात को बसेरा बनाते हैं और रहते। इसलिए प्यारे सत सिंह जी, जबकि हर वस्तु पर मन की आंख पे, अंदर की आंख भी बाहर देख रही हो, तो कॉस्मिक माइंड की भी आंख उसी पर, आशा तृष्णा में मन का वासा जान। आशा और तृष्णा में मन, कल और कल में मन, गुजरा हुआ कल और आने वाले कल में उसका वासा, दुख उसका अंग है, सुख उसका अंग है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जबकि हर वस्तु पर मन की आंख प्यारो, आशा तृष्णा में मन का वासा जान रे, मन सुख शांति की भाषा जानता नहीं। उसको ये भाषा पता नहीं, तुम्हें ये भाषा पता है, पर तुम भूल गए हो ना अपने आप। इसलिए मन सुख शांति की भाषा जानता नहीं, सुख आनंद से लेन ना देन, जिसके तुम कब्जे में हो उसको सुख से कोई लेना देना है। के लोग कहते हैं कि हमें बाबा इस निरंकार से मिला दो, तो फिर क्या कर लो, ये तुम्हारे गुरुआ लोगों ने तुम्हारे अंदर भर दिया, उसको निकालना बड़ा कठिन, सदियों और अरबों सालों से तुम्हारे अंदर ये लगा है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अब मुझे थोड़ा बोलने में भी परेशानी आ रही है, तो मैं एक घंटा ही आपको आज सत्संग दे पाऊंगा, फिर मैं कल आपके पास आ जाऊंगा और आपसे बातचीत कर लूंगा। बस यही दुआ, मन सुख शांति की भाषा जानता नहीं, सुख आनंद से लेन ना देन रे। ये वेद वैराम सदगुरु देते हैं, मन का आत्म के गुणों से लेन ना दे। आत्म के गुण जो है वो आपको पता है, प्रेम सत्व और आनंद, उससे मन को कोई लेन देन नहीं।
इसलिए वो तुम्हें पल पल भरमाता है और तुम्हें पल पल उलझाता है और तुम उसकी उलझन में फंसे हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज मैंने आपको चार दोहे दिए, आरती दी और आगे चलूंगा, लेकिन इस समय मैं आगे चलता लेकिन नहीं, सर भारी हो गया है इसलिए नहीं आगे चल पा रहा हूँ, तो आपसे क्षमा चाहूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, बोल सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।